हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली कि यदि आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए ऑनलाइन 1000 रुपये का सालाना पे कर दिया और आपके बैंक अकाउंट से चालान है सक्सेसफुली कट भी गया है और आपने 4 से 5 दिन का वेट भी कर लिया, उसके बाद जैसे आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल के वैलिडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड दिस पैन नंबर। कहने का मतलब ये कि ये इस पैन नंबर पर कोई भी चालान है हमें नहीं मिला है, तो ऐसे में आपको फिर से पेमेंट करना होगा, क्योंकि हमने तो पेमेंट कर दिया है तो हमें दोबारा पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पेमेंट है अभी अपडेट नहीं हुआ है तो हमें और वेट करना होगा। तो हम जान लेते हैं कि हमें कितना और वेट करना होगा और कब तक हमें वेट करना होगा। और ये पेमेंट है, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा पेमेंट है हमारे एक बैंक अकाउंट से तो यहाँ से डेबिट तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी बार हम पेमेंट है वापस रिफ़ंड भी आ जाता है ऑटोमेटिकली किसी रीज़न की वजह से, तो ऐसे में हमें वो भी ध्यान रखना होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो जिस बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट किया था उस बैंक अकाउंट की हिस्ट्री है, जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है वो चेक करना है। काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी लोगों का पेमेंट वापस रिफ़ंड आ जाता है, तो वो चेक कर लेना है आपका पेमेंट रिफ़ंड तो नहीं आया। यदि आपका पेमेंट रिफ़ंड नहीं हुआ और वहाँ पर ट्रांजेक्शन ने सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल रहा है तो आपका पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 दिन का तो इंतज़ार कर लिया है और हमें यहाँ से 6ठा दिन हो गया आज की तारीख में, तो हमें कितना और वेट करना होगा फ्रेंड्स? तो देखो फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्या होता है कि इन 4 से 5 दिन के बीच कुछ छुट्टियां आ जाती है गवर्नमेंट ऑफिस की, जिसके कारण हमारा काम है रुक जाता है और कुछ दिन पीछे चला जाता है, तो ऐसे में हमें और दिन और वेट करना होगा तो हमारा ये पेमेंट है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा यदि आपका बैंक अकाउंट से चालान है सफलतापूर्वक हो चुका है तो। काफ़ी बार में पेमेंट थोड़ा लेट सेट हो जाता है क्योंकि बीच में छुट्टियां आ जाती है जिनकी वजह से काम है लेट सेट होता है, तो ऐसे में भी पेमेंट लेट सेट अपडेट होगा, तो ऐसे में आपको वेट कर लेना है, आपका चालान है अपडेट हो जाएगा। इसमें कम से कम आपको 1 हफ्ता तो वेट करना ही करना है और मैक्सिमम आपको 2 हफ्ता वेट कर लेना है, आपका पेमेंट है अपडेट हो जाएगा। अगर फिर भी पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? तो ऐसे में आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, यूनियन का टोल फ्री नंबर है 1961, इन पर कॉल कीजिए, उनको बोलिए सर हमने पेमेंट किया, हमारे अकाउंट से भी पेमेंट कट गया फिर भी यहाँ पर पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, तो ऐसे में हम क्या करें। इसके अलावा आप उनको मेल भी कर सकते हो, तो हमने एक मेल भी किया था तो वो हमें आपको मेल भी बताते किस पर मेल किया था, तो हमने यहाँ पर मेल किया था efillingwebmanager@incomerate.gov.in वाली ईमेल आईडी पर हमने यहाँ पर मेल किया था, और यहाँ पर हमने लिखा था कि हमने इतनी तारीख को पेमेंट कर दिया और हमारे अकाउंट से पेमेंट कट चुका है, और ये उसका पैन नंबर, ये आधार नंबर, ये होल्डर का नेम, ये फादर्स नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये ट्रांजेक्शन नंबर है, सब कुछ हमने यहाँ पर शेयर कर दिया और हमने उनकी तरफ से रिप्लाई है कि आपका क्यूरी सबमिट है वो कर लिया गया, अभी तक आपका पेमेंट हमारे पास नहीं आया जिसकी वजह से आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, ऐसा हमें रिप्लाई मिला था। तो ऐसे में आप कुछ दिन और वेट कर लेना, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे ही बैंक से पेमेंट है उनके पास नहीं जाता है और हमारा पेमेंट है वो हॉल्ड पे चला जाता है, तो ऐसे में पेमेंट अपडेट नहीं होता है। तो ऐसे में जब तक आपका पेमेंट है सक्सेसफुली सफलतापूर्वक पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट है वो अपडेट नहीं होगा, आप उनको मेल करो जैसे कॉल करो वो कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट उनके पास तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका वो कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। तो हमारा एक बार पेमेंट है वो नहीं गया तो और हमारा जो पेमेंट है वो रिफ़ंड आ गया था, तो हमने दोबारा से पेमेंट किया, वो पेमेंट है सक्सेसफुली उनका पास चला गया और हमारा पेमेंट है वो अपडेट हो चुका था, तो हम आपको दिखा देते हैं वो भी। इसके लिए हम यहाँ पर लिंक आधार बटन पर क्लिक कर लेते हैं, इधर हम अपना पैन नंबर और आधार नंबर को एंटर करके वैलिडेट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया, वैलिडेट बटन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डिटेल्स फेच कर लिया गया, आपका पेमेंट वेरीफाई भी हो चुका है, अब आप पैन आधार के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका चालान सीरियल नंबर, यहाँ पर BSR कोड और यहाँ पर पेमेंट का डेट और कितना आपने अमाउंट पे किया था वो यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका पैन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर आधार नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर आपको नेम एंटर करना होगा जो आधार कार्ड पर होगा, ठीक है, यही नेम आपका पैन कार्ड पर भी होना चाहिए, पैन कार्ड पर और आधार कार्ड पर दोनों जगह नेम
एकदम सेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग का मिसमैच नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका पैन आधार लिंक नहीं होगा। यहाँ पर कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिसको आप ऑटोपे से वेरीफाई कराना चाहते हैं, उसके बाद टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना और लिंक आधार वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, पैन कार्ड और आधार कार्ड पर सेम होना चाहिए। इन तीनों में अगर कोई भी मिसमैच होता है तो आपका आधार और पैन लिंक का जो रिक्वेस्ट है फेल्ड हो जाएगा आगे चलकर। तो ऐसे में इन तीनों चीज़ों को डिटेल्स आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। यदि तीनों चीज़ सेम है, यानी नेम भी सेम है, पैन कार्ड और आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, और तो आप यहाँ पर पैन आधार कार्ड लिंक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं डालना है। पहले इनको सही करना होगा अपने आधार और पैन कार्ड में, यदि सही है तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिंक आधार वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आधार पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नेम है एकदम सही है दोनों जगह, ठीक है। तो ऐसे हम लिंक आधार बटन पर क्लिक कर लेते हैं, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इधर आपको ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देना है, जो आपने अभी मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर एक ओटीपी यहाँ पर रिसीव हुआ होगा आपके मोबाइल पर, तो वो ओटीपी देकर यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद में वैलिडेट बटन पर क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर लिया है, उसके बाद में वैलिडेट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज है डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका पैन और आधार कार्ड का लिंक का जो रिक्वेस्ट है यूआईडी के पास भेज दिया गया है वैलिडेशन के लिए। कहने का मतलब यह है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पर अगर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेम हुआ तो आपका लिंक हो जाएगा, अन्यथा यूआईडी उसको रिजेक्ट कर देगा और आपका रिक्वेस्ट फेल्ड हो जाएगा। फिर से आपको लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट डालना होगा। लिंक डालने से पहले आपको आधार और पैन कार्ड में डाटा चेक कर लेना, यदि सही है तो ही रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आप पहले उनको सुधार कीजिए उनमें, फिर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस वाले बटन पर जाकर हमें इसका स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। पैन आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर डाल के व्यू लिंक आधार स्टेटस बटन पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। पैन नंबर, आधार नंबर एंटर करने के बाद व्यू लिंक आधार बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू लिंक आधार स्टेटस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारा स्टेटस है वो आ चुका है। यहाँ पर बोल रहा है कि आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट है वो फेल्ड हो चुका है, क्योंकि आपका DOB मिसमैच है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, को आपको आधार या फिर पैन कार्ड दोनों में से किसी एक आइडेंटिटी कार्ड पर DOB को चेंज कराना होगा। कहने का मतलब दोनों में DOB सेम कराना होगा। तो इसके लिए आपको किसी एक आइडेंटिटी कार्ड में DOB अपडेट करवाना होगा। यदि आप पैन कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो पहले आपको आधार कार्ड में करेक्शन करवाना होगा। यदि आपका आधार कार्ड वाला DOB सही है तो आपको पैन कार्ड में करेक्शन करवाना होगा। तो ऐसे में किसी एक आइडेंटिटी कार्ड में आपको करेक्शन कराना होगा, जिससे कि दोनों आइडेंटिटी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सेम हो सके। उसके बाद आपको फिर से लिंक के लिए आपको रिक्वेस्ट डालना होगा। इसके लिए आपको क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर देना है, होम पे आ जाना है और फिर से आपको लिंक का आधार वाले बटन पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। उससे पहले आपको करेक्शन करना होगा, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दोनों में से किसी एक आइडेंटिटी कार्ड, जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों जगह सेम हो सके। उसके बाद ही आपका रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक वापस सबमिट हो पाएगा, अन्यथा फिर से ये प्रॉब्लम आएगा और फिर से आपका रिक्वेस्ट फेल्ड हो जाएगा। तो ऐसे में आपको पैन आधार कार्ड को करेक्शन कर लेना है। यदि आपको पैन कार्ड में करेक्शन करना है तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पैन कार्ड करेक्शन के बारे में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप अपने पैन कार्ड में खुद से घर बैठे पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में ये बताया था किस प्रकार आप बिना पैन आधार लिंकिंग वाले पैन कार्ड में किस प्रकार करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह यह हो रहा है कि जिनका आधार और पैन कार्ड दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, उन्हीं का पैन कार्ड करेक्शन हो रहा है। अभी फ़िलहाल वहां से आप पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूँगा, वीडियो का आप वॉच कर सकते हैं। जैसे आपका आधार और पैन कार्ड दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाता है तो आप फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिर से आपको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपको एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप पैन आधार कार्ड के लिंक के लिए इस प्रकार को डाल सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो फ्रेंड्स।